तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, योर सीसेट प्रिपरेशन, योर जीएस एग्जाम टू प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बड़ा खास रहने वाला है। आज आपने क्या करना है? आज आपने कुछ नहीं करना। सेशन नंबर 12 है फाइनल बैटल का। ये कुछ क्वेश्चन इनमें से आपको रिपीटेड मिलेंगे। आपने क्या करना, आपने कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर आपका आया। बड़ा सिंपल सा आज का लेक्चर है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आपने क्या करना, आपने मुझे ये लिखना है कि कितने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आया आपका, बस सिंपल। फिर मैं चेक करूंगा कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं, तेरह की बात। तो ये चीज आपने देखनी है और बड़े अच्छे तरीके से आपने लिखनी पे, क्लियर? तो चलिए, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और लाइक तो करना प्लीज मत भूलना आप, क्लियर? चलिए, यस, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2023-24 के बैच में बाजी मारी, यानी आयान जैन ने 16 रैंक लिया, शिवांश राठे ने 63, प्रशांत ने 78, जी साई दर्शन 112, शाश्वत अग्रवाल 121, विनोद कुमार 135, रिया अग्रवाल 141, पौरवी गुप्ता 213, मनीष भारद्वाज 215, रश्मि प्रधान 319, सिंधु अनुरागवन 336, प्रियंका प्रियदर्शनी 387, गौतम ठाकुर 391, शिवानी गुप्ता 428, आदित्य दौर 603, दीपक चौधरी 705, रितु 785, प्रभाकर वर्मा 803, प्रेम सिंह मीणा ने 929 रैंक लिए। अगर मैं बताऊं 25 से ज्यादा सिलेक्शन इस बैच में हमारी, और नंबर वन इसीलिए हैं हम क्योंकि 2300 से ज्यादा सिलेक्शन अभी तक हम दे चुके हैं, क्लियर है की बात? तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा आपके पास, शायद टाइम एंड वर्क से होगा जहां तक मुझे लग रहा है, या पाइप एंड सिस्टम से, क्लियर? बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यस वी आर बैक एंड एक क्रैश कोर्स आपके पास, अगर अभी भी कर लोगे ना काम बन जाएगा, बता रहा हूँ। इसके बारे में क्लास के एंड में बताऊंगा मैं, क्लियर? एंड वी आर बैक इन चंडीगढ़, मोहाली में तो आपको पता है हमारा सेंटर है, अब चंडीगढ़ में भी है। द एड्रेस इज प्लॉट नंबर 7, ग्राउंड फ्लोर पंजाब केसरी बिल्डिंग, सेक्टर 25, चंडीगढ़। एंड यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस बार कोड फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन, क्लियर? तो देखिए, जरा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, पाइप एंड सिस्टम से, माफ कीजिएगा टाइम एंड वर्क से नहीं, पाइप एंड सिस्टम से करिए क्वेश्चन, करिए प्लीज। देखिए, द क्वेश्चन इज पाइप एंड बी कैन फील एट एंगल 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ये करवाए हुआ क्वेश्चन है आपको, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे अब इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स पाइप ए इज टर्न ऑफ, व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल दैट एंगल। बेसिक्स हैं, जिनको बेसिक्स आते हैं वो इन क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज फिर 1/1 वाला यूनिटरी मेथड आप लगाएंगे, जो मैं नहीं चाहता कि आप लगाएं, ठीक है? करिए प्लीज। चलिए सुन, देखिए सबसे पहले क्या दिया, टाइम ऑफ है 15 मिनट, टाइम ऑफ बी कितना 20 मिनट, अल्टीमेटली क्या ये 60, मैंने टोटल वर्क ले लिया, मैंने टोटल वर्क लिया 60, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई? आपको पता है वर्क इज इक्वल टाइम टू एफिशिएंसी होता है, तो एफिशिएंसी क्या आ गई 60/15 यानी 4, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 60/20 यानी कितना 3, ये 4 और 3 आ गई, क्लियर आगे बात। अब देखो वो क्या कह रहा है, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स पाइप ए इज टर्न ऑफ। कहने का मतलब क्या है, आपने क्या किया है, दोनों पाइपों को एक साथ चलाया, तो 1 मिनट का काम कितना हो गया इनका, 4 + 3 = 7 हो गया। कितने टाइम तक इकट्ठे चलाई है, 4 मिनट तक। तो आप क्या कहेंगे, 1 मिनट का काम कितना, 4 मिनट पर कितना होगा, 4 × 7 28 यूनिट हो गया। 1 मिनट का काम 7 होकर 4 मिनट का काम कितना होगा, 28 हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पाइप ए इज टर्न ऑफ, व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। अब रिमेनिंग वर्क निकालो, रिमेनिंग वर्क कितना, 60 - 28 यानी पहले 4 मिनट में टोटल 60 में से हमने कितना काम कर दिया स्टूडेंट, 28 हम काम कर चुके, और कितना काम बचा मेरे पास, 32। अब ये रिमेनिंग काम किसने करना, देखिए ए इज टर्न ऑफ, व्हाट इज टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, इसका मतलब अब जब ये काम खत्म हो चुका है तो अब काम करना है किसको, अब काम करना है हमें बी को, ए तो बंद हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क मुझे क्या चाहिए,
टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी, तो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास 32, टाइम ऑफ बी निकालना है और एफिशिएंसी ऑफ बी कितने 3, तो 32/3। अब देखो 32/3 इसको मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है स्प्लिट करके। 32/3 मिनट यानी कितना हो गया 10, 2/3 इंटू 20 इंटू 20 यानी 10/40। 10 मिनट 40 सेकंड यहाँ लगे और 4 मिनट वहाँ लगे, तो आंसर इज 14 मिनट 40 सेकंड। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा किस किस का हो गया था, जल्दी से नोट कीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीक्वेंस नंबर, बताइए रॉन्ग नंबर आपने बताना गलत संख्या कौन सी होगी इसमें। चलिए करें जी, देखो आपको मुझे बताना है कि इसमें गलत संख्या कौन सी है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा नंबर आएगा, मैंने कुछ अलग पूछा। 56, 72, 90, 110 and 132, 150। आपको बताना 56 गलत है, 72 गलत है, 90 गलत है, आपके पास 110 गलत है, 132 गलत है, या आपके पास 150 गलत है। देखो सबसे पहले अगर ये बढ़ते क्रम में तो डिफरेंस हो सकता है, मैं भी कुछ ऐड हो रहा हूँ, यहाँ देख लो आप 16 आ रहा है, फिर आपके पास 18 आ रहा है, फिर आपके पास और भी आ रहा है। बट एक लॉजिक और भी है, अगर आप इसको देखो ये क्या है 7×8 है, हाँ उससे भी हो जाएगा, जो मैंने बताया उससे भी हो जाएगा, बट दैट इज अ सेंट्रल लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ। फिर कितना है 8×9 आया, फिर कितना है 9×10 आया, फिर कितना है 10×11 आया, 11×12 आया, 12×9 कितना आएगा 13 आएगा, 156, जबकि कितना आ रहा है मेरे पास 150। तो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये मेरे पास गलत संख्या है, दैट इज द रॉन्ग वन। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट सब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, नंबर इज 9517771165, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर सुना व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज अ मैन टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 3 ईयर ही हैड टू पे रुपीज 5400 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड, द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का जल्दी कीजिए। चलिए देखो अब मैं टू कर लो, किसी व्यक्ति ने लोन लिया, देखो आपको एक बात सुनो, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो रहता है हमेशा सेम, या कहू डू नॉट चेंज। सॉरी, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मेरे पास 3 साल के बाद 5400 मिल रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना 12%, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर भी कितना 12% है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर भी कितना 12% है। तो अल्टीमेटली आप क्या कहोगे कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वो 3 ईयर कितना आ गया 36% आ गया क्या 36% आ गया, और इसी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है 36% ऑफ
ये क्या है प्रिंसिपल का निकलेगा, इज हाउ मच 5400। फटाफट 1% की वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से, समझ आ गई बात। ये ऐसा क्वेश्चन ऐसे करना है, तो आप क्या बोलोगे 1% ऑफ फीस हाउ मच 5400 डिवाइडेड बाय 36 6900, 1% की वैल्यू कितनी आई 150। तो 1% ऑफ फीस हाउ मच 150, 100% ऑफ फीस हाउ मच 15000। ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर, क्लियर। मैं अभी भी कह रहा हूँ क्रैश कोर्स कर लो, यही टाइम है सही करने का, मॉक टेस्ट सीरीज लगा लो। नहीं कुछ पता चल रहा तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 9517716 इस नंबर पे कॉल कर लो प्लीज, व्हाट्सएप कर लो, मैं ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा रिगार्डिंग द एग्जाम, एग्जाम में कैसे बिहेव करना है। जो मैं 2 मेंटरशिप की वीडियोज डाल चुका हूँ, 1 से 2 आ चुकी हैं मुझे जहाँ तक पता है, उन 2 वीडियोज को देखिए, 1-2 को देखिए, फिर आपको पता चलेगा किस तरह से आपने करने हैं क्वेश्चंस को, क्लियर। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए नेक्स्ट पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 मैन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, 16 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, 8 मैन एंड 8 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्क फॉर 6 डेज, हाउ मेनी मोर मैन आर टू एडेड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1 डेज। देखो 12 मैन कर रहे हैं 8 डेज में, 16 वुमेन कंप्लीट है 12 दिन में, 8 मैन एंड 2 मैन, देखो 8 दूनी 16, तो मैन इज इक्वल टू वुमेन, मैन अपॉन वुमेन कितना है 2/1 आ गया, और ये मेरे पास क्या है दैट इज माई रेशियो फॉर एफिशिएंसी, यानी मैन की एफिशिएंसी 2 है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास 1 है, क्लियर। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, देखो टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कितना 12 इंटू 2 इंटू 8, 12 दुनी 24, 24 गुना 8 196, 192 हो गया, यानी 8 दुनी 16, 16 गुना 12 192 मेरा टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से भी निकाल लेते हैं 16 गुना 1 गुना 12, देखो ये भी कितना आ गया 16 गुना 1 गुना 12, 16 गुना 12, तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि टाइम एंड वर्क के केस में जब भी हम लेते हैं ये मैंने इक्वल क्यों लिया, बिकॉज दे आर डूइंग सेम वर्क, और यू कैन से दैट दे आर डूइंग कॉन्स्टेंट वर्क, क्लियर आगे बात, ये कॉन्स्टेंट वर्क कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। हाउ मेनी मोर मैन, अब देखो इनिशियली की अगर मैं बात करूं, इनिशियली क्या हो रहा है मेरे पास 8 मैन एंड 8 वुमेन स्टार्ट वर्किंग, यानी 8 मैन और 8 वुमेन वर्क स्टार्ट कर देंगे, मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, M1 H1 E1 is equal to M2 D2 S2, और जो मेरे पास इक्वेशंस दी हुई है सिर्फ उन्हीं को लेके चल रहा हूँ, जो दी हुई है उन्हीं को लेके चल रहा हूँ मैं, बाकी मुझे कुछ नहीं करना। चलो 8 मैन और कितने दिन काम करते स्टूडेंट्स, दे वर्क फॉर 6 डेज, यानी 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 16, 24, 24 गुना 6 हो गया, 6 दुनी 12 120, 6 चौका 24, कितना काम हो गया मेरे पास, मेरा 144 वर्क हो चुका है, मेरा 144 वर्क हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, यानी कितना वर्क बचा है 40, देखो 48 प्लस 44 इज 92, मेरा 48 वर्क अभी बचा हुआ, रिमेनिंग वर्क कितना है मेरा 48। अब मुझे क्या करना, अब वो क्या कह रहा है देखो, हाउ मेनी मोर मैन आर टू बी केप्ट, अब मैं इसको जरा मिटा दूं यहां पे, ठीक है, वगैरह कंडीशन तो साफ साफ है, बट अब मुझे क्या करना है, मैं कितने और जो मैंने उनको इंक्लूड करूं कि मेरा काम एक दिन में खत्म हो जाए, कुछ ऐसे ही कह रहा है वो, इसको मैंने जान के नहीं मिटाया क्योंकि मेरे पास कंडीशन भी चाहिए मुझे, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, हाउ मेनी मोर मैन आर टू बी एडिड, मोर मैन मतलब और कितने, देखो मतलब 8 मैन प्लस 8 वुमेन तो काम कर ही रहे, प्लस आपको नंबर ऑफ मैन चाहिए, और एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, और ये काम एक दिन में करेंगे और कितना काम करना 48 करना, दैट इज द सिनेरियो वी हैव टू फॉलो, क्लियर। सो 8 मैन प्लस 8 वुमेन, यानी 8 2 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 48, नाउ वी कैन रिपीट आउट,
दूसरे नेक्स्ट कितना आ गया मेरे पास 16 प्लस 8 प्लस 2 वैन इज इक्वल टू 48, 2 वैन कितना आ गया मेरे पास 48 माइनस ऑफ दैट इज 24, 2 वैन इज 24 एंड कितना आ गया मेरे पास 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत खास क्वेश्चन था स्टूडेंट, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज ए बिगिनर बिजनेस, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ए बिगिनर बिजनेस विद रुपीज 85,000, ही वॉज जॉइंड आफ्टरवर्ड्स बाय बी विद द रुपीज 42,500 फॉर हाउ मच पीरियड दस बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, मैं दोनों बताऊंगा, आप देखिए इसको जरा। चलिए जी देखो वो क्या कह रहा है, ए बिगिनर बिजनेस विद रुपीज 85,000, मतलब ए ने पैसा कितना डाला इनिशियली, अगर मैं अमाउंट की बात करूं कितना था 85,000, ही जॉइंड आफ्टरवर्ड्स बाय बी विद रुपीज 42,500। देखो मतलब उसको थोड़े टाइम के बाद बी ने ज्वाइन किया, हमें एक्चुअली वो टाइम ही निकालना भाई कितने टाइम के बाद बी ने उसे ज्वाइन किया, ठीक है, और हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1। देखो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या है, पूरे 12 महीने, यानी ए ने क्या किया होगा, अगर मैं ए के टाइम की बात करूं कितना हो गया 12 मंथ, हमने माना लेट बी जॉइंट आफ्टर टी मंथ्स, ये ऐसे लिखो फॉर टी मंथ्स, आफ्टर कहना ठीक नहीं है, 12 माइनस टी लिखना पड़ेगा आपको, कि 12 के टी महीने के लिए उसने क्या किया होगा। अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो 85,000 इनटू 12 और 42,000 इनटू टी कर लो, या मेरे वाला तरीका कर लो सनी सर वाला, 42 को दो गुना करो 84, 500 को दो गुना करो 1000, तो ये कितना आ गया, ये बेसिकली 2:1 में है। इसका मतलब अगर मैं मनी की बात करूं वो किसमें 2:1 में ए और बी की, और अगर मैं टाइम की बात करूँ वो किसमें 12:1 टी में, सिंपल कुछ नहीं करना आपने, क्लियर आएगी बात। तो आपको क्या बोला गया आप क्वेश्चन में, कितने टाइम की बात किया होगा, कैसे कुछ बोल रहे हैं, और आपको अब ये क्या है, देखो ये रेशो क्या आ गई, ये 12:2:1, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास फाइनल पैसे की भी है और ये आपके पास प्रॉफिट का रेशो भी है, ये बात ध्यान रखिए, ये आपके दोनों की रेशो है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी भी है और जो आपने एक्चुअली में प्रॉफिट किया उसकी भी है, तो ये कितना दिया हुआ है 24/t इज इक्वल टू कितना 3/1, तो टी कितना आ गया 8 मंथ्स, टी कितना आ गया 8 महीने, यानी बी ने क्या किया होगा 8 महीने के लिए ज्वाइन किया होगा। अगर बाय चांस क्वेश्चन ये पूछता फॉर हाउ मेनी मंथ्स दिस बी आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइन, तो क्या आता आंसर आपका, तब 4 आता आंसर, जब 8 नहीं आता, 8 महीने के लिए ज्वाइन किया, बट ज्वाइन कितने दिन की बात की है 4 महीने के बाद, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, करिए प्लीज, परसेंटेज से क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए देखो गौरव स्पेंड्स इस क्वेश्चन को कर रहे हैं दो तरीके, जो अच्छा तरीका आपको लगे आप कर लेना। क्या दिया गौरव स्पेंड 30% ऑफ इज मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल,
40% of remaining on convenience and clothes and 50% and save 50% of remaining. If his monthly salary is 18,400, how much time या money does he save every month? हर महीने कितने पैसे सेव कर रहे हैं बताना आपको. देखो आप एक दो काम कर सकते हो. लेट मंथली सैलरी 100% मान के चलो जो एक नॉर्मल बच्चा करेगा, बट जो अभी पीडिया का स्टूडेंट है अभिमन्यु आईएएस का स्टूडेंट है वो ऐसा नहीं करेगा. जो करेगा पहले बता देता हूँ. देखो 30, 40, 70 और 50 सौ से ऊपर टप गया तो रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, इसका 30% गया पहले कितना बचा 70% बचा 40% ऑफ रिमेनिंग इसका 40% फिर इसका निकालोगे फिर तीसरे का निकालोगे फिर करोगे. ऐसे क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है. करना कैसे देखो बेसिकली 30% का मतलब क्या हुआ 3/10 यानी कितना हुआ ओरिजिनल फाइनल अगर पहले 10 था तो कितना बचा आपके पास 7 बचा पहली कंडीशन में. दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है वो 40% रिमेनिंग ऑन करीब 40% का मतलब कितना हुआ 2/5 5/3 3 की बात करो तो 50% ऑफ रिमेनिंग 50% का मतलब क्या हुआ 1/2 यानी 2 था तो 1 हो गया. 50 दुनी 100 हो गया यानी 100 था तो कितना बचा मेरे पास. इसका मतलब अगर शुरू में मेरे पास 100 रुपये थे दिख रहा ना होपफुली हाँ दिख रहा है कि अगर शुरू में 100 थे 21 बचे हैं मुझे क्या दिया हुआ है 100 की वैल्यू कितनी दी 18,400 ए की वैल्यू कितनी दी है 184 21 × 184 देखो कितना आ गया 184 × 20 + 1 कितना हो गया 3680 184 4 6 3 8 6 4 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्लियर तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. चलिए लास्ट क्वेश्चन इधर बढ़ रहे हैं इफ यू हैव यस. चलिए द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन एवरेज का क्वेश्चन है. द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज 35 36. It was found that later n observation 48 was wrongly taken as 23. The correct new mean is. New mean क्या देखो सिंपल 50 ऑब्जर्वेशन है मुझे कुछ नहीं करना उनका एवरेज कितना दिया 36 दिया मेरे पास. It was found later that observed 48 यानी जोड़ना तो 48 था बट जोड़ कितना दिया 23 यानी एक्चुअली जो मेरा टोटल समय है उसमें 25 कम है. कोई जरूरत नहीं है टोटल 15 × 18 × 25 करके फिर उसे डिवाइड करते रहो कोई जरूरत नहीं. एक बात आओ मेरे पास सम कितना बचा 25 ऐसे सोचो 50 स्टूडेंट को मुझे 25 रुपए देने हैं तो एक स्टूडेंट को स्टूडेंट्स कितने पैसे देने पड़ेंगे मुझे 25/50 यानी कितना 1/2 यानी 0.5 रुपीज देने पड़ेंगे 1/2 यानी 0.5 देने पड़ेंगे वो कहाँ जाएगा इसमें ऐड कर दो यानी 36 + 0.5 इज हाउ मच 36.5 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्लियर तो दैट वाज माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे ये. प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए. क्लियर चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्या देखो वी हैव यस वी आर बैक हम वापस आ चुके हैं कहाँ पे हमारा मोहाली वाले सेंटर का तो आपको पता ही है नहीं पता तो प्लीज बताइएगा मैं बता दूंगा आपको ठीक है. प्लॉट नंबर 7 ग्राउंड फ्लोर ऐसे पता होगा ठीक है बिल्डिंग सेक्टर 25 प्लॉट नंबर 7 है ग्राउंड फ्लोर पंजाब केसरी बिल्डिंग सेक्टर 25 चंडीगढ़. आप इस बार कोड को भी लोकेशन के लिए मतलब स्कैन कर सकते हैं तो लोकेशन आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी. क्लियर चलिए नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल रैंक अक्वायर किए हैं 16, 63, 78, 111, 121, 132, 133, 137, 390, 436, 387, 395, 428, 603, 712, 587, 85, 803, 920, 925 प्लस सिलेक्शन इस साल तो 2300 से ज़्यादा सिलेक्शन हो चुकी है पिछले 25 साल से तो हम कोई नए नहीं है 25 साल का एक्सपीरियंस जुड़ेगा आपके साथ प्रॉपर मेंटरशिप होगी आपको मेंटोर प्रोवाइड किया जाता है सब कुछ जब जुड़ोगे तो पता चलेगा. क्लियर अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं स्टूडेंट्स. क्लियर चलिए आप इस क्रैश कोर्स के बारे में बता रहा हूँ जिसे आप अभी भी कर सकते हैं टाइम है आपके पास. चलिए स्टूडेंट देखिए सबसे पहले इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जा रहा है अगर नहीं तो आप यहां से भी जा सकते हैं जैसे जा रहा हूं. सबसे पहले वीडियो कोर्सेज में देखिए क्या है मेरे पास ये मेरे पास क्रैश कोर्स
ठीक है, क्रैश कोर्स है क्या, इसमें क्या क्या मिल रहा है मुझे इसमें देखो नीचे। सबसे पहले तो चार डेमो वीडियोस मिल रहे हैं, लॉगिन करते ही आपको शुरू में 3500 पे नहीं करना, जब साइनअप करेंगे आपको डेमो वीडियोस के लिए डेमो वीडियोस आप देख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास के मैथ एंड मेंटल एबिलिटी के कितने लेक्चर्स मिल रहे हैं मुझे, मतलब टॉपिक्स कितने मिले, टोटल मुझे 12 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कौन कौन से आपको, नंबर सिस्टम मिल रहा है, एलसीएम एसएम मिल रहा है, एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस हो गया परमिटेशन कॉम्बिनेशन नंबर सीरीज डेटा टेबल एंड मैचुरेशन 3D। इसका मतलब क्या, मैक्सिमम जो पोर्शन है वो यहाँ से कवर हो जाएगा आपका, एक आधा को छूटेगा 15 दिन में, ये तो है नहीं सारा सिलेबस करना है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो तो एटलीस्ट कवर की जाए, क्लियर है। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग में देखें 19 लेक्चर में क्या क्या मिल रहा है मेरे को, देखिए डायरेक्शन सेंस रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से क्वेश्चन आते हैं, सिलॉजिज्म से आपका अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से आता, पजल तो आता ही आता आपको, कैलेंडर लॉजिकल वेन डायग्राम और डेटा सफिशिएंसी, क्लियर। इंग्लिश आपको 8 लेक्चर्स मिल रहे हैं जिसमें पूरे तरीके से आपको मास्टर बना दिया जाएगा कॉम्प्रिहेंशन में, बाकी आपकी प्रैक्टिस है, क्लियर। सोचना भी मत कॉम्प्रिहेंशन छोड़ने का भी बता रहा हूँ, और अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप माइक्रो कोर्स यानी छोटे कोर्सेज को भी प्रेफर कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए मैथमेटिकल बिटी नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन परमिटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ नंबर सिस्टम को मत छोड़ना, पॉसिबिलिटी है कि पिछली बार 18 इस बार 20 आ जाएँ, पॉसिबिलिटी 15 है, मतलब 15 से 20 का अराउंड तो जहां तक मुझे लगता है नंबर रहने ही वाला है, इससे कम तो कोई चांस ही नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, इसका भी सेम पैटर्न है हमारे पास, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं किस साल में कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं, क्लियर। चलिए रैंकिंग ऑर्डर होगा क्यूब एंड आइस सारे, लास्ट में आ गया मेरे पास इंग्लिश, इंग्लिश तो गलती से भी छोड़ के मत जाना, बिकॉज देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही क्वेश्चन मुझे क्वालिफिकेशन के लिए 26 से 27। अगर मैं ट्रेंड देखूँ पिछले साल का इंग्लिश का तो देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, ट्रेंड की अगर मैं बात करूं 26, 27, 25 ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है आपका, क्लियर। तो सारे के सारे लिंक प्रोवाइड किए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।